शाहरुख खान ने काजोल की तरह जूही चावला के साथ भी ढेर सारी हिट फिल्मों में काम किया है, जिसको लोगों ने खूब पसंद भी किया और दोनों की जोड़ी लोगों की फेवरेट जोड़ी बन गई। शाहरुख खान और जूही चावला ने साथ में काम किया और कई सारी हिट फिल्में भी दी। ऐसे में आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किन किन फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया है। तो आइए जानते हैं शाहरुख और जूही की जोड़ी के फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में पहली फिल्म है राजू बन गया जेंटलमैन। जी हाँ, 1992 में रिलीज हुई फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में ही शाहरुख और जूही की जोड़ी पहली बार नजर आई थी। इससे पहले जूही आमिर खान जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन लोगों ने शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया। इसी के बाद दोनों ने न सिर्फ एक साथ काम किया बल्कि पर्सनल लेवल पर भी गहरा बॉन्ड शेयर करने लगे थे। यस बॉस। साल 2023 में यस बॉस फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो चुके हैं। इस फिल्म के गानों को आज भी लोग पसंद करते हैं। बता दें कि इसी फिल्म के गाने के लिए शाहरुख ने मन्नत के बाहर शूटिंग की थी और आज एक्टर वहीं रहते हैं। ओम शांति ओम। साल 2007 में रिलीज हुई ओम शांति ओम फिल्म में भी फैंस को शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। जी हाँ, फिल्म के गाने में जूही चावला की एंट्री हुई थी और वो शाहरुख खान के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में कई फिल्में करने के बाद हमेशा एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। शाहरुख खान ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, मगर जूही आज भी उनकी बहुत अच्छी और करीबी दोस्त है। यहाँ तक कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान की बेल के समय भी जूही को कोर्ट में देखा गया था। कुल मिलाकर जूही ने साबित कर दिया कि वो शाहरुख खान की कमाल की दोस्त हैं और सुख में ना सही दुख में शामिल होती हैं। अब आप बताइए, आपको जूही चावला और शाहरुख खान की जोड़ी कैसी लगती है और इनकी फिल्मों में से आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट वाली फिल्म कौन सी है? साथ ही क्या आप जूही और शाहरुख को एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते देखना चाहते हैं? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें।